حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم ومكرم حاضرين جمعة، برادران اسلام، اسلامي دوستو او بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں ایک پیشن گوئی کی تھی کہ افترقت الیہود علی ثنتین و سبعین فرقہ وستفترق هذه الامة الى ثلاث و سبعین فرقہ، کہ یہود 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی تھی، اور انقریب ہماری یہ امت بھی یہود 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور انقریب ہماری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلوہا فی النار، ان میں سے تمام کے تمام فرقے جہنمی ہیں، الا واحدہ سوائے ایک فرقے کی. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے؟ اس لئے کہ ہر ایک کی خواہش ہے کسی طرح آخرت میں نجات مل جائے، جہنم سے
किसी तरह नजात मिल जाए और जन्नत में दाखिला मिल जाए, क्योंकि ये एक मुसलमान की, एक मोमिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और हकीकत में कामयाबी यही कामयाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुहा फिन्नारे इल्ला वाहिदा, उनमें से तमाम के तमाम फिरके जहन्नमी हैं सिवाय एक फिरके के। सहाबा इकराम की हमेशा कोशिश होती कि वो नजात पाने वाले जमात में शामिल रहें, कहीं वो गुमराह ना हो जाए, कहीं वो जन्नत से दूर ना हो जाए, जन्नत जहन्नम से करीब ना होने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इसी चीज को हकीकी कामयाबी से ताबीर किया है, फमन ज़ुख़ज़िहा अनिल नारी व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। अगर कोई जहन्नम से नजात पा गया और जन्नत के अंदर दाखिला मिल गया उसे, फ़क़द फ़ाज़, तो हकीकत में यही बंदा कामयाब है। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन सी जमात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास जमात का नाम नहीं लिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वस्फ बयान किया, जिनके अंदर भी ये अवसाफ पाए जाएंगे वो इस नजात पाने वाली जमात में शामिल होंगे। हुम मा काना अलैहि अना अल्यौम व असहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं और मेरे सहाबा इकराम जिस पर कायम है, आज हमारा जो दीन है, जो इस मनहज पर, अकीदे पर, इस दीन पर कायम होंगे, वो तमाम के तमाम इस जमात में शामिल होंगे, वो तमाम के तमाम नजात पाने वाली जमात में शामिल होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस जमात में शामिल होने की हमेशा फिक्र करते रहें, कहीं उस जमात से हम दूर ना हो जाएं, जिस जमात के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है कि वो जमात नजात पाने वाली जमात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई यकीनन उसी तरह सही साबित हुई जिस तरह दूसरी पेशीन गोइयों का ताल्लुक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहते, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, अल्लाह के रसूल अपनी ख्वाहिश से अपनी तरफ से कोई चीज खबर नहीं देते, वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के ताल्लुक से किसी चीज की खबर दी है, कोई पेशेंगोई की है, तो हर्फ बहर्फ उसी तरह सही साबित हुई। बहुत सारी पेशेंगोइयां अब तक जाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी पेशेंगोइयां बाकी हैं जो कियामत तक आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने वाली है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशेंगोई चंद ही दिनों के बाद जाहिर होनी शुरू हो चुकी थी। सही मुस्लिम आप उठाए, सही मुस्लिम की जो पहली हदीस है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जो पहली हदीस अपने सही के अंदर किताबुल ईमान के अंदर तखरीज की है, जो रिवायत की है, उसके अंदर यहया बिन यामुर रहमहुल्लाह जो कि किबार ताबईन में से हैं, और बाद उलमा फरमाते हैं कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और बाद दूसरे सहाबा इकराम के साथ इनकी मुलाकात है, तो ये किबार ताबईन में से हैं। ये फरमाते हैं कि मैं और हुमैद इब्न अब्दुल रहमान, ये भी किबार ताबईन में से हैं, हम दोनों हज के मौके पर या उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए थे। यहां पर हम दोनों ने आपस में कहा कि काश के यहां पर कोई सहाबी रसूल मिल जाते तो हम उन्हें चंद मसाइल के ताल्लुक से पूछते। मस्जिद हराम के अंदर, मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह के अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, तो हम दोनों ने फौरन उनको जाके पकड़ा, एक उनके दाहिने जानिब एक उनके बाएं जानिब हो गए। और फिर मैंने सवाल किया कि बसरा के अंदर माबद जुहनी नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने तकदीर का इनकार कर दिया है और उनका कहना अन्नल अमरा उरूफ, हर चीज अपने आप ऐसे ही पैदा हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर की वजह से नहीं। ये सही मुस्लिम की पहली हदीस है और सही मुस्लिम की पहली हदीस के अंदर ही इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने जो हदीस रिवायत की है उसी से पता चल रहा है कि सहाबा इकराम के जमाने के अंदर ही इस तरह के फितनों का दौर शुरू हो चुका था। अभी अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे किबार सहाबा इकराम मौजूद हैं दुनिया के अंदर, मक्का मुकर्रमा के अंदर ये दो ताबिई अब्दुर्रहमान हुमैद बिन अब्दुर्रहमान और यहया बिन यामुर, ये दोनों उनसे कह रहे हैं कि बसरा के अंदर एक नया फितना जाहिर हुआ है, माबद जुहनी नाम के एक शख्स ने तकदीर का इनकार किया है, एक नया फितना जाहिर कर दिया है, एक नई बिदअत की इजाद उन्होंने की है।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशेंगोई की थी कि मेरी उस उम्मत के अंदर बहुत सारे फिरके पैदा हो जाएंगे, यहूद से ज्यादा इस उम्मत के अंदर फिरके पैदा होंगे, और उनमें से तमाम के तमाम फिरके जहन्नमी हैं सिवाय एक फिरके के, एक जमात के। वो कौन सी जमात है? जिस पर अल्लाह के रसूल और सहाबा इकराम कायम थे। तो इस तरह फितनों का जहूर होना, बिदातों का ईजाद होना, ये सहाबा इकराम की जिंदगी में शुरू हो चुका था। अभी सहाबा इकराम के बारे सहाबा मौजूद है, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने जैसे जिनकी वफात 73 हिजरी में है, तो अभी के बारे सहाबा इकराम मौजूद हैं, और इतना बड़ा एक फितना, इतनी बड़ी एक बिदात, तकदीर का इनकार उसी जमाने में जाहिर हो चुका था। इसी तरह अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में खवारिज का फितना जाहिर हुआ, रवाफिद का फितना जाहिर हुआ, जिन्होंने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बहुत सारे उनके मारके पेश हुए, और जो मशहूर वाकया है खवारिज के साथ अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, कि उन्होंने सबको आग के अंदर जला दिया था। फिर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब यह खबर पहुंची कि उन्होंने इस तरह उनको सजा दी है, तो उन्होंने फरमाया था कि अगर मैं होता तो उन्हें आग के अंदर ना जलाता, बल्कि मन बदल दीनहु फक्तुलू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई मुर्तद हो जाए तो उन्हें कत्ल कर दो। इसलिए कि आग से जलाना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है कि किसी को आग की सजा दे। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ही इतना बड़ा एक फितना जाहिर हुआ था, खवारिज का फितना, जिन्हें खुद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथ से सजा दी थी। इस तरह के फितनों से बचाव का रास्ता क्या है? खुद खवारिज के साथ अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ही अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने उनके साथ मुनादरा किया था, और मुनादरे के अंदर बहुत सारे उसमें शिद्द हैं, हदीस की किताबों में ये पूरा मुनादरा तफसील के साथ मरवी है। उसमें से एक अहम नुक्ते और पॉइंट की चीज ये है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खवारिज के सामने जाकर कहा कि आपकी जमात में कोई एक बंदा ऐसा है जो अल्लाह के रसूल के साथियों में से हो, जो सहाबा इकराम में से हो? उन्होंने कहा कि नहीं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं जिनकी तरफ से अभी आ रहा हूं वो तमाम के तमाम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के रसूल के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने दीन को अल्लाह के रसूल से सीखा है, उन्होंने अपनी आंखों से कुरान करीम को नाजिल होते हुए अल्लाह के रसूल पर देखा है। वो इस दीन को ज्यादा समझ सकते हैं या आप ज्यादा समझ सकते हैं? जाहिर सी बात है कि सहाबा इकराम से ज्यादा आप दीन को नहीं समझते। फिर उन्होंने काफी ज्यादा नसीहत की, तो उनमें से 2000 लोग ऐसे थे जो फौरन उसी मजलिस में तौबा करके सहाबा इकराम की जमात में शामिल हो गए। तो इसलिए अगर हम फितनों से नजात चाहते हैं, गुमराहियों से नजात चाहते हैं, तो हमें उस रास्ते को अपनाने की जरूरत है जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर रहनुमाई की है कि जो भी सहाबा इकराम के रास्ते पर कायम होगा, आज मैं और मेरे सहाबा इकराम जिस अकीदा व मनहज पर कायम है, जिस दीन पर कायम है, जो भी इस दीन पर कायम होगा वो नजात पाने वाली जमात में शामिल होगा। इसलिए उस जमात के अंदर शामिल होने की हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए, और कोई भी कदम हम उठाएं दीनी नाहियत से, तो उसे हमें देखने की जरूरत है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीका था या ये किसी दूसरी जमात का तरीका है। क्योंकि इस तरह के फितनों का जहूर ये यकीनी चीज है, और कयामत तक इस तरह फितने जाहिर होते रहेंगे, नित नए मनाहिज आते रहेंगे, लेकिन हमेशा एक जमात ऐसी कायम रहेगी जो हक पर कायम रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन अबी दाऊद की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक, इस उम्मत के अंदर हमेशा एक जमात ऐसी कायम रहेगी जो हक पर कायम होगी। ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम, जो लोग इनकी मुखालफत करें, जो इनको रुसवा करें, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमेशा हर मुसलमान की कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी दीनी मौकिफ को अपनाने से पहले वो चेक करें क्या हकीकत में ये अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा इकराम का तरीका था या नहीं था। अगर अल्लाह और उसके रसूल का तरीका था, सहाबा इकराम ने उसी तरीके पर चलकर दिखाया है, तो यकीनन वो तरीका दुरुस्त है। ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا। الله رب العالمين کا فرمان ہے ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى, جو اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد,
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو پکڑنے پر اللہ کے رسول, اللہ رب العالمین نے اکتفا نہیں کیا, آگے کیا فرمایا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مؤمنوں کا جو راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ دے, اس راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ان کے اپنے نفس کی طرف سپرد کر دیں گے, ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے, وہ ہماری ذمہ داری اور ہماری حفاظت کے تحت نہیں رہیں گے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آپ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے تو ہم انہیں اپنے نفس کے سپرد کر دیں گے, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, انہیں آپ جہنم رسید کر دیں گے. تو میرے بھائیوں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا اس طریقے میں نجات ہے, اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے, السلفیۃ سفینۃ الروح من رکبہا نجا ومن اعرض عنہا غرق, کہ سلف صالحین کا جو راستہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو طریقہ ہے, ان کے بعد آنے والے تابعین کا جو طریقہ ہے, تبع تابعین کا جو طریقہ ہے, اگر کوئی اس طریقے پر چل رہا ہے تو گویا کہ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے, جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہوئے تھے صرف وہی نجات پائے تھے, اور جو بھی اس کشتی سے باہر تھے سب کا حال کیا ہوا تھا, سب غرقاب ہو گئے تھے, سب ہلاک ہو گئے تھے. تو اسی طرح فتنوں کے زمانے کے اندر سلف صالحین کا جو طریقہ تھا, صحابہ اکرام کا جو طریقہ تھا, تبع تابعین کا جو طریقہ تھا, ان کے بعد آنے والے جو لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر خوشخبری سنائی ہے, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر خوشخبری سنائی ہے, السابقون الاولون من المهاجرین والانصار, مہاجر اور انصار میں جو سابقون الاولون تھے, والذین اتبعوهم باحسان, اور جو بھی احسان کے طور پر جو ان کا راستہ تھا اسی راستے پر چلے آگے آنے والے لوگ, چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد ہو یا بعد میں آنے والے ہو, جو بھی اس راستے پر چلنے والے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راضی کر بھی دیں گے قیامت کے دن. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, اور ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی, جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو یہ ہے سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت. خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی صرف اس آیت کے اندر نہیں بلکہ اور بھی بے شمار آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس منہج پر اور اس راستے پر چلنے کی بے شمار نصوص کے اندر تاکید کی ہے. سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اگر بعد میں آنے والے لوگ اسی طرز پر ایمان لاتے ہیں, اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح تم لوگوں نے ایمان لایا ہے, یہ صحابہ اکرام کو خطاب ہے, اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح آپ لوگوں نے ایمان لایا ہے, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو ایسی صورت میں وہ ہدایت پا سکتے ہیں, وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر اس طریقے پر ایمان نہ لائیں, اس راستے سے روگردانی کریں, تو ایسی صورت میں وہ ہدایت نہیں پا سکتے. یہی سے گمراہی شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ایک واضح شاہراہ پر چھوڑ کر گئے تھے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس امت کے اندر فتنے رونما ہوتے ہوئے, اور جیسے جیسے لوگوں نے اس راستے سے دوری اختیار کی, وہیں سے فتنے اور گمراہیاں اس دین کے اندر جنم لینے شروع ہوئی. یہاں تک کہ اس امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق 73 فرقے ہو جائیں گے. حالانکہ علماء نے اس حدیث کی مختلف شرح کی ہے, اس کے معنی بیان کیے ہیں, بعض علماء نے کہا ہے کہ 73 عدد ہی مقصود ہے, اور بعض نے کہا کہ عدد مقصود نہیں ہے بلکہ کثرت مقصود ہے, کہ بے شمار فرقے پیدا ہو جائیں گے اور بے شمار مناہج پیدا ہو جائیں گے, لیکن ان میں سے چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو, صرف ایک ہی جماعت ہوگی جو راہ راست پر
और हिदायत के रास्ते पर कायम होगी। वो कौन सी जमात है? मा कान अलैहि अना अलियौम व असहाबी, आज मैं और मेरे सहाबा इकराम जिस अकीदा व मनहज पर कायम है, जिस रास्ते पर कायम है, सिर्फ यही वो जमात है। उलाइक अल्लज़ीन तहन अल्लाह कुलूबहुम लित्तक्वा, सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जमात के बारे में ऐलान किया है कि ये वो लोग हैं जिनका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले परख लिया है, पहले ही उनके दिलों को जांच लिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए परफेक्ट हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरह से इख्तियार था, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की सोहबत के लिए इख्तियार कर लिया था कि वो जमात है जो आइंदा इस दीन को दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए हमेशा कि हम सहाबा इकराम के मनहज पर कायम रहने की कोशिश करें। यही वो जमात है और यही वो मनहज है जिसके जरिए हम हिदायत पा सकते हैं। जहां इस मनहज से और इस रास्ते से हमने जर्रा बराबर इधर उधर देखने की शुरुआत की, यहीं से गुमराही का रास्ता शुरू होता है। आप देखें कि खुद सलफ सालिहीन के यहां इस रास्ते से हटने की वजह से कितने बड़े बड़े इख्तलाफात पैदा हुए और कितने बड़े बड़े फितने पैदा हुए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने दोनों ने अपनी सहीहैन की शुरुआत में ही किताबुल ईमान कायम किया। सिर्फ एक मिसाल मैं दे रहा हूं जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि सलफ सालिहीन के मौकिफ और मनहज से हटने की वजह से किस तरह की गुमराहियां पैदा हो सकती हैं और इस मनहज को फॉलो करना क्यों जरूरी है। इस मनहज को अगर हम फॉलो ना करें और ये सोचें कि किताब सुन्नत हमारे सामने है, इससे हम इस्तदलाल करने और इसको समझने के लिए हम बिल्कुल आजाद हैं, जिस तरह चाहें हम समझ सकते हैं, तो इससे कितने बड़े बड़े फितने पैदा हो सकते हैं आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने दोनों ने अपनी सही की शुरुआत में ही किताबुल ईमान कायम किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह शुरू में ही बाब कायम करते हुए कहते हैं अल ईमानु कौलुन व अमल व यज़ीद व यनकुस, कि ईमान कौल और अमल का नाम है और इसके अंदर ज्यादती भी होती है, इसके अंदर कमी भी होती है। सिर्फ ईमान के अंदर आप गौर करें कि इस मनहज से हटने की वजह से कितने बड़े बड़े फितने पैदा हुए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने 1, 2, 3, 4 इस तरह मामूली तादाद से नहीं बल्कि हजार से ज्यादा मशाइख से असातिज़ा से यह इल्म हासिल किया है। ये इल्म हदीस मैंने 1-2 लोगों से नहीं बल्कि उलमा फरमाते हैं कि 1080 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के मशाइख थे, असातिज़ा थे। फरमाते हैं खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कुल्लुहुम कानू यकूलून अल ईमानु कौलुन व अमल व यज़ीद व यनकुस। ये मेरे जो इतने लंबी तादाद है, इतनी लंबी फहरिस्त है मशाइख की, असातिज़ा की, जिनकी तादाद हजार से ऊपर है, इनमें से तमाम के तमाम ऐसे थे जो ये अकीदा रखते थे कि अल ईमान कौल व अमल, ईमान कौल और अमल का नाम है, व यज़ीद व यनकुस, और इसके अंदर कमी और ज्यादती होती रहती है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपने असातिज़ा के सिलसिले में खुद गवाही दे रहे हैं। ये ईमान के बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इतनी अहमियत क्यों दी? ये फितना शुरू जमाने ही में जाहिर हो चुका था। चुनांचे एक फिरका पैदा हुआ जिन्होंने किताब सुन्नत के नुसूस को सलफ सालेहीन के फहम के मुताबिक समझ ना समझकर अपने खुद साख्ता फहम से उसे समझने की कोशिश की। चुनांचे उन्होंने कहा कि ला यगुर्रु माल ईमान दम्बुन, अगर कोई बंदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, इस बात की गवाही दे लेता है कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, इतना इकरार कर लेना काफी है। उसके बाद चाहे वो कितनी ही गुनाह क्यों ना करता रहे, ईमान का अमल का ईमान के अंदर कोई अमल दखल नहीं है। इसलिए अगर कोई शख्स दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए उसके बाद उसके लिए आजादी है। ला यज़ुर्रु माल ईमान ज़म्बुर, ईमान लाने के बाद चाहे वो कितनी ही गुनाह क्यों ना करता रहे उसे कोई ईमान के अंदर उससे ईमान के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक गुमराह फिरका था जिसने शुरू जमाने में ही सलफ सालिहीन के जमाने में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से पहले अभी ताबईन तबई ताबईन का जमाना है उसी वक्त उन्होंने एक नया एक मौकिफ इख्तियार किया था और इसका प्रचार शुरू कर दिया था।
कि ईमान लाने के बाद चाहे आप कुछ भी करते रहे, आमाल आपके चाहे कैसे भी हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ला यज़ुरु मालिमान दंबुर। इसी के बरक्स एक दूसरा फिरका पैदा हुआ। वो फिरका कौन सा था? वो खवारिज और मुअतज़िला का फिरका था। जिस फिरके के बारे में अभी मैंने कहा कि जो अकीदा रखते थे कि ईमान लाने के बाद चाहे आप कितनी ही गुनाह क्यों ना करते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस फिरके का नाम फिरके मुर्जिया है। इसी के बरक्स एक दूसरा फिरका पैदा हुआ। वो कौन सा फिरका था? खवारिज और मुअतज़िला का। बिल्कुल इसी के बरक्स उन्होंने किताब सुन्नत की नुसूस को अपने खुद साख्ता फहम से समझकर उसकी ताबीर शुरू की। इनका क्या अकीदा था? इनका अकीदा यह था कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर किसने ईमान लाया और उससे गुनाह कबीरा का इर्तिकाब हो गया तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और दायरे इस्लाम से खारिज होने के बाद खवारिज का अकीदा यह है कि वो कुफर के अंदर दाखिल हो जाता है और हमेशा हमें जहन्नम में रहने वाला है। जबकि मुअतज़िला का कहना यह है कि ये इस्लाम से तो खारिज हो जाता है लेकिन कुफर के अंदर दाखिल नहीं होता। कुफर और इस्लाम के दरमियान का एक मर्तबा है जिसे मंजिलतुन बैन मंजिलतैन कहते हैं। इसका नुकसान क्या हुआ? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने दोनों ने किताबुल ईमान के अंदर बेशुमार अहादीस और आयात बयान की है इस दोनों फिरके के गुमराही पर। ये ऐसा बातिल अकीदा था जिसका असर हमेशा हर जमाने में देखा गया है। इससे क्या लाजिम आएगा कि आप अपने मुमिन भाइयों को जो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं उसे आप काफिर समझेंगे। और हर जमाने में आप पाएंगे कुछ लोग ऐसे मौजूद रहे जो अपने मुसलमान भाइयों को काफिर गर्दानते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे ममालिक के अंदर कि बहुत सारे ऐसे फितने रोनुमा होते हैं, एक दूसरे के खून के लोग प्यासे होते हैं बल्कि कत्ल कर देते हैं। मारने वाला भी मुसलमान होता है और जिसे मारा गया है वो भी मुसलमान। आखिर क्या वजह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा है? ऐसे कितने अफसोसनाक वाकयात और अफसोसनाक खबरें आए दिन हम अखबार में पढ़ते रहते हैं कि फला जगह इस तरह का कोई हमला हुआ और वहां पर मारने वाले भी मुसलमान थे, जो मरे वो भी मुसलमान थे। उसकी वजह क्या है? मारने वाले जिनको मार रहे हैं उनको मुसलमान ही नहीं समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये काफिर हो चुके हैं, ये दार इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। क्या वजह है? क्योंकि उनके अंदर बाज खराबियां हैं, बाज गुनाहे हैं जिनको वो दायरे इस्लाम से खारिज होने वाले आमाल समझते हैं और जिस वजह से अपने ही मुसलमान भाइयों के खून के प्यासे हो जाते हैं और उनका खून वो हलाल समझते हैं। यहां से आपको मनहज सलफ की अहमियत का पता चल गया होगा कि सलफ सालहीन का जो मौकिफ था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को तालीम दी थी और उनसे ताबेईन और फिर से तबे ताबेईन ने सीखा, ये कितना अहम और कितना जरूरी मौकिफ है कि अगर कोई शख्स इस मनहज से जर्रा बराबर रूखगर्दानी करता है तो फौरन गुमराह फिरकों के अंदर वो शामिल होता है और फिर वो दुनिया के अंदर अमनो अमान के साथ खेलने लगता है और एक दूसरे मुसलमानों के खून के प्यासे तक हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम मनहज सलफ को पहले समझें और फिर इसकी इत्तबा की हमेशा कोशिश करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मनहज को समझने और इसकी इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तकब्बल रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم حاضرين، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جو تعلیم دی تھی وہ ہر باب کے اندر تعلیم تھی، بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں कि अगर कोई परिंदा आसमान में उड़ रहा होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस ताल्लुक से भी खबर दे दे। ये दीन मुकम्मल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। लेकिन इस दीन को समझना कैसे है, जरूरी है कि हम उसको पहले समझें। इस दीन के नुसूस को, किताब सुन्नत के नुसूस को समझने के लिए आजाद नहीं है हम।
बल्कि सहाबाए किराम ने, ताबईन, तबे ताबईन ने जिस तरीके से इस दीन को समझा है उस तरीके से समझने के हम पाबंद हैं। अगर कोई शख्स किताब सुन्नत की किसी नस की ऐसी तावील करता है या ऐसा माना बयान करता है जिसे सहाबा ने नहीं समझा है, जिसे ताबईन ने नहीं समझा है, जिसे तबे ताबईन और बाद के आने वालों को नहीं समझा है, तो वो दीन नहीं हो सकता। अभी गुज़श्ता इसी हफ्ते सही बुखारी की एक हदीस गुजरी तलबा के सामने, हदीस का जो लफ्ज है जिससे बहुत सारे लोग धोखे में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सहाबा इकराम को खिताब करते हुए कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, लेकिन इस बात का डर जरूर है मुझे कि तुम दुनियादारी के अंदर मुब्तला हो जाओगे और दुनियादारी तुम्हें हलाक व बर्बाद कर देगी। इस हदीस से, इस सही बुखारी की हदीस है, बहुत सारे लोगों ने ये अपने खुद साख्ता फहम से समझने की कोशिश की और माना बयान करना शुरू किया कि इस उम्मत के अंदर शिर्क नहीं हो सकता। जो कोई शख्स कलमा ला इलाहा इकरार करने वाला है चाहे कुछ भी करे वो शिर्क उसको हम नहीं कह सकते। इसलिए आप पाएंगे बहुत सारे ऐसे भाइयों से मेरी खुद मुलाकात हुई है, वो किसी कब्र के सामने जाकर सजदा करते हैं, किसी दूसरे से अपनी हाजत तलब करते हैं जो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। जब उनसे आप कहें कि भाई ये शिर्क है तो कहते नहीं, ये शिर्क नहीं हो सकता, क्योंकि सही बुखारी की हदीस अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत शिर्क के अंदर मुब्तला होगी, मुझे इस बात का डर नहीं है। क्या हकीकत में इस हदीस का यही माना है? ये हदीस सही बुखारी के अंदर है, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। आप सही बुखारी की जो शुरुआत है आप उठाएं, फतुल बारी हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह की, अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह के उमदा तलकारी, अल्लामा तस्तल्लानी रहमहुल्लाह की इरशादुस सारी, इस तरह और बेशुमार जो सही बुखारी की शुरुआत है, क्या किसी ने यह माना बयान किया है कि इस उम्मत के अंदर शिर्क हो ही नहीं सकता? और चाहे मुसलमान किसी कब्र के ऊपर जाके सजदा ही करें, अल्लाह ताला से जो चीजें मांगने की है वो किसी दूसरे से हम तलब करें, तब भी शिर्क नहीं हो सकता, क्या किसी ने यह माना समझा? जाहिर सी बात है कि पूरी उम्मत के अंदर सलफे सालेह में से किसी ने माना बयान नहीं किया। तो इससे सिर्फ आपको मिसाल के तौर पर यह समझाने की मैंने कोशिश की है कि किताब और सुन्नत के नुसूस को खुद साख्ता फहम से हम समझने के लिए आजाद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को जो तालीम दी, ताबईन, तबे ताबईन ने जो सीखा वही फहम मुअतबर है। इसलिए हमें चाहिए कि सलफ सालेहीन रहमहुल्लाह के मनहज पर, उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें और किताब व सुन्नत को उसी तरह समझने की कोशिश करें जिस तरह उन्होंने समझा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालेहीन के मनहज पर और नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। तक़बल रब्बुल आलमीन। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين